देश देंगे। रात 8 बजे पीएम का ये पांचवा संबोधन होगा लॉकडाउन पर। लॉकडाउन को लेकर हो सकता है कोई बड़ा ऐलान कर दे। 17 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन 3, और क्या अब लॉकडाउन 4 आएगा या नहीं, ये तो रात 8 बजे पता चल जाएगा। कल मुख्यमंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने एक बैठक की थी। उस बैठक में 6 मुख्यमंत्रियों ने यही कहा था कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। आज से ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कहां से कहां तक के लिए ट्रेन चल रही हैं या चलेंगे। ये देखिए डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, दिल्ली से होते हुए रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, मड़गांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी भी जाएगी। चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी एक तरफ जाने वाली, एक तरफ से आने वाली। सोमवार से बुकिंग शुरू हो गई है, यानी कल से ही काउंटर से टिकट नहीं मिल रही है, ऑनलाइन टिकट ही मिल रही है। ज्यादातर सीट स्लीपर क्लास की होगी, अधिकतर सीटें स्लीपर क्लास की। से रेलवे अपनी सुविधा देने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आपको सीधा तस्वीरें दिखाती है। पहाड़गंज का साइड है, आप देख सकते हैं कई लाइनें जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं और एक एक करके यात्रियों को अंदर भेजा जा रहा है। आगे की ओर दिखाएंगे बैरिकेटिंग के पास जो लिखा हुआ है, एक अगर आप राइट साइड जाएंगे तो डिब्रूगढ़ टाउन के लिए रेल मिलेगी और दूसरी तरफ लेफ्ट की अगर बात करें तो बिलासपुर के लिए वहां से रेल सेवा शुरू हो रही है। तो तमाम ये लोग हैं, धूप भी बहुत प्रचंड है, गर्मी भी अपने पूरे सीमा पार कर चुकी है दिल्ली में। पर ये देखिए आप, लाइन जो है लगातार बहुत लंबी कतार है। कहाँ जा रहे हैं आप? सर कटिहार जा रहा हूँ, बिहार कटिहार। जी सर, वापस फिर दिल्ली आएंगे? आएंगे सर, लेकिन अब तो देखिए सर क्या हालात हम लोग का है। अभी मान लीजिए 49 दिन हो गया लॉकडाउन का, फिलहाल अभी जिस तरह हम लोग गुजार के आया हूँ सर, अभी तो वैसा तो नहीं लग रहा है संभव आने का। पूरी तैयारी कर ली है ट्रेन के लिए, खाना पानी सब रखे? खाना पीना सब कुछ तैयारी है सर, टिकट भी कंफर्म हो चुका है। अब देख रहे हैं सर क्या क्या आगे हो रहा है। मन में एक डर भी है बहुत। उस लोग अभी भी देखिए कड़ा धूप है, लाइन में लगे हुए हैं। आप कहाँ जाने वाली हैं? एनजेपी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जा रही है। टिकट कितने मुश्किल से मिला आपको? 4 बजे से बैठे थे तो फोन को देखते देखते 8 बजे मिला टिकट। कंटिन्यू इतना टाइम बैठे थे, 4 से 8 बैठे थे। क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं झज्जर में हरियाणा में काम करती हूँ। हरियाणा से दिल्ली आई, फिर अब यहाँ से ट्रेन पकड़ने वाली? हाँ जी, हाँ जी। वैसे थैंक्स टू द गवर्नमेंट, जो भी इनिशिएटिव किया था, वी आर वेरी लकी टू हैव हिम। इतने दिन कैसे बिताई आप? मैं कमरे में थी, 24 मार्च से आज तक मैं कमरे में ही थी, तो ऐसे अचानक से खबर मिला कि आना है, तो आई एम वेरी लकी। लोगों के मन में खुशी तो जरूर है, पर एक डर का भी माहौल लगातार देश भर में बना हुआ है और तमाम इसमें मजदूर भी हैं, सभी श्रेणी के लोग हैं जो वापस घर की ओर जा रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर, भारत समाचार, दिल्ली। खबर उन्नाव से है। प्रवासी मजदूरों का हाईवे पर जमावड़ा लगा है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर हजारों प्रवासी मजदूर पहुंचे